नमस्कार दोस्तों, BRS Rentals में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक फुल फर्निश्ड 3BHK फ्लैट जो आपको मिलता है बहुत ही रीजनेबल रेंटल पे, और यहाँ से आपको मेट्रो का डिस्टेंस बहुत पास में मिलेगा। आपको ओनली 900 मीटर्स के डिस्टेंस पे द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। एंड यस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी विद ब्यूटीफुल स्टफ। आपको बहुत सुंदर और अच्छा सामान मिलेगा, और यहाँ पे आपको 138 गज के आसपास का कारपेट एरिया मिलता है, क्रॉस वेंटिलेशन, नीचे गाड़ी पार्किंग, रूफ राइट्स, जो जो चाहिए होता है एक प्रॉपर्टी में, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आइए प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हमारी प्रॉपर्टी, आसपास की लोकेशन और यहाँ पे किस तरह की दुकानें और किस तरह के रोड हैं, ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए रोड पे आ चुके हैं हम इस टाइम। और इस रोड को लेकर आप चाहें तो द्वारका मेट्रो स्टेशन या द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन दोनों की तरफ जा सकते हैं। सामने ही हमारा जो उत्तम नगर रजबगढ़ रोड है वो चालू हो जाता है। राइट हैंड साइड पर आपका द्वारका मेट्रो स्टेशन है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपका द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन है। बाकी मेट्रो से जैसे ही आप उतर के इस तरफ आना चाहें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, आपको ई रिक्शा ऑप्शंस मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे आपको कई सारी शॉप्स मिल जाएंगी। जितना भी सामान घरेलू नीड्स के लिए चाहिए होता है वो सब कुछ हमें यहीं पे आराम से मिल जाता है। बाकी ट्रैफिक फ्री रहता है यहाँ पे, आपको ट्रैफिक ना के बराबर ही दिखेगा। बड़ी पीसफुल और शांत लोकेशन है। ये आ जाता है हमारा मेन रोड और जूम पर आ जाती है आपकी मेट्रो। अब चलिए आपको दिखाते हैं अंदर से प्रॉपर्टी कैसी दिखती है। सो हमारी प्रॉपर्टी अंदर से कैसे दिखती है वो दिखाने से पहले हम आपको एक बार गली का दर्शन करा देते हैं। हमारी गली इतनी चौड़ी है, यहाँ पे आपको लगभग 25 फीट की चौड़ाई मिलती है इस गली में, और जो साफ सुथरी गली है बिल्कुल, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी निकालने डालने में। आइए प्रॉपर्टी देखते हैं अंदर से। सो इस पार्किंग के अंदर आपको एक तो ये डोर मिल जाता है जो आप टू व्हीलर्स को अंदर लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक बड़ा डोर मिल जाता है जो आप अपनी गाड़ियों को अंदर लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी फ्रंट जो है प्रॉपर्टी का काफ़ी चौड़ा है, लगभग आपको 18 फीट की चौड़ाई कम से कम, मिनिमम बता रहा हूँ, मिल जाती है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको पार्किंग का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, देखते हैं अगर सामने तो आपको पूरा टाइल वर्क मिल जाएगा, तो कभी भी भविष्य में सीलन एंड ऑल को लेकर दीवारों में सीपेज वाली प्रॉब्लम नहीं आ सकती है क्योंकि टाइल वर्क किया गया है। ऊपर आप देखते हैं तो लाइट और डिज़ाइन का भी खास ध्यान रखा है। चार गाड़ियां मैंने आपको बताई थी, 1, 2, 3, 4, ये टोटल चार गाड़ियां इस पार्किंग के अंदर लगी हुई हैं। थोड़ा आगे आते हैं तो एक क्रॉस वेंटिलेटेड प्रॉपर्टी है दोस्तों। ये वाला जो आप डोर देख रहे हैं, आप इस डोर को ओपन करते ही इस प्रॉपर्टी के पीछे, यानी कि जिस गेट को खोलते ही एक पार्क है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वाला जो बेनिफिट है ये हमें इस प्रॉपर्टी में बहुत ही खास बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको स्टेयरकेस लेकर ऊपर जाने का ऑप्शन भी अवेलेबल है, और यहाँ पे आपकी जो भी मोटर्स लगाई जाएंगी उनको सेफली आप सिक्योरली यहाँ पे पैक कर दिया गया है, तो अपना जब भी उनको कोई रिपेयर वर्क की आवश्यकता हो तो ही हमें अंदर जाना है। रेस्ट उसके अलावा आप मोटर्स बिल्कुल सेफ हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। ये लिफ्ट लेकर हम चलेंगे हम अपने फ्लोर पे। बाकी तो फ्लोर पे काफ़ी अच्छा फ्लैट है, आपको बहुत पसंद आएगा। छत तक देखिए ताकि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। बाकी लेआउट हर फ्लोर का काफ़ी सिंपल है, हर फ्लोर पे केवल एक फ्लैट है। आइए दिखाना शुरू करता हूँ आपको। सो दोस्तों, ये हमारी लिफ्ट है जिसको लेकर आप आएंगे अपने फ्लोर पे। इंडिपेंडेंट फ्लैट के अपने ही मज़े होते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपका फ्लैट मिलता है, और एंट्रेंस पे ही आपको इतना ब्यूटीफुल डेकोरेशन मिल जाएगा। मैं यहीं से एक बार कैमरा फ्लिप करके बस नीचे आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा शूकेस है, यहाँ पर आपको जूते रखने के लिए बाहर एक साफ सुथरा अलग से एरिया मिल जाता है, और ये हमारा सेफ्टी डोर है जिसे ओपन करके आप अपनी प्रॉपर्टी में एंटर हो जाएंगे। सो आइए ज़रा हम आपके साथ में फ्लोर प्लान को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज, ये खूबसूरत प्रॉपर्टी आपको काफ़ी बड़े साइज़ में मिलती है, इसीलिए यहाँ पे सब कुछ बड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे आपका लिविंग हॉल भी काफ़ी बड़ा है, किचन भी बहुत बड़ा है, रूम्स का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, एंड क्रॉस वेंटिलेशन जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सो यहाँ पे हम सबसे पहले आप
लिविंग हॉल की ओर देख रहे हैं और इसके अंदर आप डाइनिंग एरिया प्लस लिविंग एरिया दोनों चीज़ें आपको दिख रही होंगी। और हमारे जो बेडरूम्स हैं उनकी प्लेसमेंट कुछ इस तरह से है, 1, 2, 3, यानी कि बेडरूम नंबर 1, 2 के अंदर भी बढ़िया वेंटिलेशन है, 3 के अंदर भी बढ़िया वेंटिलेशन है, सामने आपको किचन स्पेस मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इस तरफ आएँ। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मैं यहाँ से आपको इस फ्रेम में सबसे पहले हमारे ये दो चीज़ें दिखाना और समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो सोफ़ा है उसकी प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया लग रही है इस लिविंग हॉल में, साइज़ वाइज भी एंड प्रोडक्ट वाइज भी। डिज़ाइन यहाँ से लेकर वॉल्स तक और वॉल्स से ऊपर तक सब चीज़ों का एक दूसरे को बहुत ध्यान से बनाया गया है ताकि कॉम्प्लीमेंट करे आप सारी चीज़ों को एक साथ। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो बड़ा सा वॉल है आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं अपनी फ़ोटोज़ के साथ में, ऑलरेडी यहाँ पे जो करेंटली रहते हैं उन्होंने डेकोरेट किया भी हुआ है। सो ये जो लिविंग हॉल है इसका साइज़ गौर करने वाला है, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 दोस्तों यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 18 फीट लंबा और चौड़ाई वाइज आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे आपको 13 फीट चौड़ा लिविंग हॉल मिल रहा है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा लिविंग हॉल हो जाता है। उसके बाद सोफ़ा का जो साइज़ है वो भी आपको कुछ बहुत तो महसूस हो ही रहा होगा कि ये ऑर्डिनरी से काफ़ी बड़ा सोफ़ा है। यहाँ पे आपको डाइनिंग टेबल के लिए स्पेस भी मिल रहा है और लगने के बाद भी आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपर हमारे पास चलने फिरने उठने बैठने के लिए जगह मिल जाती है। अब यहाँ से आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम बीतता है, किचन, और इसी वॉल पे हमारा मंदिर का प्लेसमेंट भी है यहाँ पे। तो एक डेडिकेटेड पोर्शन आप मंदिर को दे सकते हैं और उसके बाद अपनी किचन को इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। वेल, इस किचन के अंदर एक खासियत और खूबी आपको एंटर करते ही समझ में आ गई होगी जो कि है स्पेस। स्पेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, भाई मैं दोनों हाथ खोल के खड़ा हूँ आराम से, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 फीट चौड़ा स्पेस है और लंबाई अगर हम इसकी देखते हैं तो ये यहाँ से अगर हम इसको काउंट करेंगे तो दिस इज़ समवेयर अराउंड 13 फीट के आसपास, 13x8 का किचन स्पेस है जिसमें हमारा ड्राई एरिया एंड वेट एरिया दोनों बिल्कुल सेपरेट हैं। तो आप आराम से इसके ऊपर कुकिंग कर सकते हैं और ये दोनों वेट एंड ड्राई एरिया को यूटिलाइज कर सकते हैं। सामने की ओर आप देखेंगे तो काफ़ी फैंसी और बढ़िया चिमनी लगा के दी जा रही है यहाँ पे, जो इस किचन के इंटीरियर को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ओवरहेड स्टोरेज आप देख रहे हो तो भाई चारों तरफ आपको स्टोरेज मिल रहा है, आपको एडिशनली कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे भी आप देखते हैं तो दिस इज़ फुली फंक्शनल मॉड्यूलर किचन जिसमें आपको प्रॉपर स्लाइडर फंक्शनल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब आप किचन के अंदर दो चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा गौर करते होंगे, जो हमारा वेट एरिया होता है जहाँ पे हमें बर्तन एंड ऑल धोने होते हैं, तो यहाँ पे बड़ा आपको डबल सिंक मिलता है और इस वाले डोर को अगर मैं ओपन करूँगा तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे आरओ है, तो आरओ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत अच्छी स्थापना करी गई है कि बर्तन यहाँ पे सुखाओ और आरओ यहाँ पे लगा के दिया जा रहा है हमें यहाँ पे, यानी कि आपको नीचे आरओ मिल जाएगा। तो आरओ का प्लेसमेंट कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है जिसको आप ऊपर से यहाँ से पानी को निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसमें फ्रिज का जो प्लेसमेंट है वो इस वाली वॉल पे है, आप देख रहे हो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड सही तरीके से। जब भाई बंदा एक अच्छी प्रॉपर्टी तलाश करता है तो उसके मन में यही सब चीज़ें चल रही होती हैं कि मेरी कौन सी चीज़ कहाँ पे मैं प्लेस करूँगा। तो यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें कौन सी कहाँ पे प्लेस्ड हैं सब कुछ दिख रहा होगा। यहाँ से ये वाला जो फ्रेम है ये काफ़ी खूबसूरत फ्रेम है और मैं इसको मेंशन ज़रूर करना चाहता था, एक बार कर रहा हूँ, देख लीजिए समझ लीजिए इस फ्रेम को। इसमें आपको एक बड़ा सा टीवी पैनल मिल रहा है और जब मैं बड़े टीवी की बात कर रहा होता हूँ तो मैं इतने बड़े टीवी की बात कर रहा होता हूँ। यहाँ पे इतना बड़ा टीवी आपके सामने है और उसको ही कॉम्प्लीमेंट करता हुआ नीचे स्टोरेज स्पेस भी बना के दिया जा रहा है। कलर कॉम्बिनेशन इज़ टू गुड। यहाँ पे आते हैं हमारे पहले वॉशरूम को देख लेते हैं। सो गाइज, ये हमारा सबसे पहला वॉशरूम है एंड दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम। तो यहाँ पे आपको जो साइज़ मिल रहा है 7 फीट ऐसे मिल रहा है 7 एंड ऐसे आपको मिल रहा है 5 फीट, 7x5 का वॉशरूम नंबर 1 है हमारा और सीट की प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग इज़ बढ़िया। तो यहाँ पे हमें कभी भी स्पेस को लेकर किसी तरह का क्रंच महसूस नहीं होने वाला है। हमारे दो बड़े बड़े बेडरूम सामने की ओर है, मैं स्टार्ट करता हूँ इस वाले बेडरूम से।
ये हमारा पहला बेडरूम है, इसके अंदर सामने बेड लगा हुआ है और उसके बावजूद बहुत सारा स्पेस आपको मिल रहा है चलने फिरने के लिए। तो लगे हाथ इसके स्पेस की बात कर लेते हैं। इसमें जो हमें लंबाई चौड़ाई मिल रही है, ऐसे तो आपको ये मिल रहा है पूरा का पूरा 11 फीट। जी हाँ, कंप्लीट 11 फीट आपको ऐसे मिल रहा है। और इसको अगर आप इस तरह से मेजर करते हैं तो ये आपको मिल रहा है 13 फीट। तो दोस्तों 13x11 का बेडरूम नंबर 1 है। सामने बेड लगने के बाद में भी इधर पूरा 7 फीट का स्पेस मेरे पास है चलने फिरने के लिए। इसी पे हमारा टीवी पैनल इंस्टॉल्ड है, उस पर टीवी लगा हुआ है और काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये हमारे रूम की डेकोरेशन को। इसमें हमारे पास इस वाली वॉल पे आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम एंड इस वाली वॉल पे आ जाता है हमारा बड़ा सा वार्डरोब। तो पहले मैं आपको वार्डरोब दिखा देता हूँ। ये वार्डरोब स्लाइडर फंक्शन के साथ में है तो आप इसमें बहुत सारा सामान रख सकते हैं। हाइट भी इसकी पूरी 8 फीट वाली, यानी कि फुल लेंथ वार्डरोब आपको मिल रहा है यहाँ पे। एंड दूसरी बढ़िया चीज़ क्या है कि इसके अंदर हमें नेचुरल लाइट का जो ऑप्शन है वो मिल रहा है। ये डायरेक्टली हमारे फ्रंट साइड पे आपको बालकनी अटैच मिलेगी। साइज़ देख लेते हैं इसका, तो ये हमें पूरा साइज़ मिलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फीट का, और ब्रॉड ये आप देखते हैं तो 4 फीट का। तो ये 4x5 का हमारा अटैच वॉशरूम स्पेस है। यहाँ से हम आ जाएंगे इस तरफ और ये देखेंगे हमारी सबसे पहली वाली बालकनी। सो देखिए इस बालकनी के अंदर क्या विशेषता है, और यही विशेषता और यही जो चेंजेस हैं वो आपको मिलेंगे आपकी पीछे वाली बालकनी में भी। सो जनरली क्या होता है बालकनीज में, सिंपल बालकनी होती है, सामने नीचे टफन लगा होता है, बट यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करवाया गया है और इस काम के अंदर खर्चा भी आता है। बट ये जो काम है इतनी फिट एंड फिनिश के साथ में नहीं मिल पाता है हर अगली प्रॉपर्टी में। यहाँ पर जो चौड़ाई है विदाउट कोई चेंजेस वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे पूरा 4 फीट का स्पेस आपको मिल रहा है इस बालकनी में। जैसे मैं बोलता हूँ कि नीचे से 3 फीट है और ऊपर से 4 है, तो यहाँ पे नीचे से 4 है और ऊपर से 5 फीट का स्पेस आ रहा है लगभग। और जो इसकी लंबाई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दोस्तों पूरी 18x4 फीट की बालकनी है। और एक बार इस तरफ हल्का सा मैं अगर आपको दिखाता हूँ, ये पूरा पोर्शन जो आप देख रहे हैं इसमें आपको सारा फंक्शन मिल जाएगा जो जो हमारे UPVC वाले ऑप्शन के अंदर होता है। तो यहाँ पे आपको एक तरह से सारे स्लाइडर मिल रहे हैं, जाली वाला ऑप्शन मिल रहा है, आप इस बालकनी को बालकनी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एनी टाइम इस स्लाइडर को बंद कीजिए और आपको जो भी सामान यहाँ पे रखना है आप रख सकते हैं। जो धूप और बारिश से ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पे ख़राब नहीं होंगी। उसके बाद इसी एरिया को यूटिलाइज़ किया गया है, यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन रखने को मिलता है, इधर अपना कूलर रखा हुआ है, जो आप रखना चाहते हो रखो, नहीं रखना चाहते हो तो आप इसको बंद करके यूटिलाइज़ वैसे भी कर सकते हैं। ये आ जाता है हमारा रूम नंबर 2। इस रूम को किड्स रूम की तरह बनाया गया है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होंगी। थोड़ा पीछे जाएं, पहले आपको एक साइज़ बता देते हैं। ये 11 फीट इसकी ऐसे लंबाई है और अगर आप इसको ऐसे मेजर करेंगे तो ये 10 फीट है। तो ये 10x11 का रूम नंबर 2 है। इसमें ये जो नीचे आप पूरा पलंग देख रहे हैं बच्चों के लिए जो बनाया गया है, इसमें यहाँ पे भी आपको गद्दा लगाने का ऑप्शन है। आप ये वाला पूरा जो स्पेस है इसको भी स्लाइड करके बाहर की ओर निकाल सकते हैं, उस पर भी आपको गद्दे वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ऊपर भी आपको गद्दे का ऑप्शन मिल जाएगा। और इसमें काफ़ी सारा स्टोरेज भी है, वो स्टोरेज इस तरफ से है। एक बार आ जाइए, अगर आप ये वाला पूरा पोर्शन देखते हैं तो यहाँ पे हमारे ढक्कन लगे हुए हैं, इनमें आप इसको भी कर सकते हैं ओपन, इसको भी ओपन कर सकते हैं और इसके अंदर काफ़ी सारा सामान जो है बच्चों का रख सकते हैं। जो घर में बच्चा होता है उसको काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स अच्छे लगते हैं और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ किया गया है, एंड लाइट एंड वाइब्रेंट, तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये वाला रूम। यहाँ से चलते हैं हम थोड़ा सा आगे और इस पूरे पोर्शन को दिखाने के बाद में लास्ट रूम हमारा रह गया है और हमारी पीछे वाली बालकनी, क्योंकि क्रॉस वेंटिलेटेड प्रॉपर्टी है तो पहले ये देख लेते हैं और उसके बाद चलते हैं हमारी छत पे। आ जाइए, जो हमारा थर्ड बेडरूम है इसके अंदर हमें अटैच वॉशरूम तो मिलता ही मिलता है, साथ में एक सरप्राइज़ है, अब वो मैं आपको बताता हूँ। बट उस सरप्राइज़ को दिखाने से पहले इस रूम की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे रूम का जो साइज़ है इस तरह से आपको मिलता है 13 फीट, और इस तरह से आपको क्या मिलता है 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 एंड 1। दोस्तों 15 बाय 13 का मास्टर बेडरूम है ये। तो इतने बड़े रूम्स आपको जनरली द्वारका की जो बहुत सुपर एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्राइस ब्रैकेट में आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो सामने बेड लगने के बाद हमारे पास एक तो बहुत बढ़िया ऑप्शन आ रहा है चलने फिरने का, और एक बार रिक्वेस्ट करूँगा आप इस तरफ आएँ। अगर आप इस पॉइंट से देखते हैं सामने की ओर तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का वार्डरोब जैसा कि हमने बेडरूम नंबर 1 में देखा था वो मिलता है। यहीं से अगर मैं आपको कैमरा ज़रा पैन करके इस वॉल पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे जो वॉलपेपर यूज़ किया गया है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा फिट एंड फिनिश दिख रहा है और कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हमारी वॉल्स को। ये पूरे रूम के अंदर हमें काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और मास्टर बेडरूम के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट विशेषता चाहिए होती है अटैच वॉशरूम की। तो देखिए ये साइज़ का अटैच वॉशरूम हमें मिलता है इसमें। काफ़ी मे भी आपको कैमरे पे ना अच्छा लग रहा हो लेकिन सच में ये जो डार्क कलर्स के साथ के वॉशरूम होते हैं बहुत बढ़िया लगते हैं। इसमें 8 फीट लंबाई है इसकी, 5 फीट चौड़ाई है, 8 बाय 5 का वॉशरूम है हमारा और काफ़ी अच्छे कलर्स यूज़ करे गए हैं। अभी तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अंदर बहुत कुछ बचा है, अभी तो मैंने आपको छत भी दिखानी है और छत के अंदर जो खासियत है उसके बारे में भी बताना है। सो दोस्तों सामने अब ये जो पूरी बालकनी है, इस बालकनी के जो बेनिफिट्स हैं उन बेनिफिट्स के अंदर सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इसमें साइज़ आपको मिलता है 5 फीट चौड़ा, और यहाँ से वहाँ तक अगर मैं इसे काउंट करता हूँ तो दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 14 फीट की लंबाई मिल रही है, 14 बाय 5 का बालकनी स्पेस हो गया। यहाँ पे भी बिल्कुल जैसे सामने हमारे स्लाइडर लगे हुए थे, स्लाइडर प्लस जाली वाला फंक्शन यहाँ पे भी है। और ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं इसकी एक वजह है, पीछे यानी कि आप पार्किंग के जैसे ही बैक साइड वाला डोर ओपन करते हैं आप इस पार्क को एक्सेस कर सकते हैं। मे बी आपको ऊपर से ना दिख रहा हूँ बट इसके अंदर झूले और बेंचेस सब कुछ आपको मिल जाता है। तो अपने आप में एक पार्क वाली जो प्रॉपर्टी होती है, पार्क के आसपास वाली जो प्रॉपर्टी होती है, पार्क फेसिंग वाली प्रॉपर्टीज़, इनके बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स काउंट किए जाते हैं। यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी की विशेषताएं और प्रॉपर्टी का वॉक थ्रू लगभग समाप्त हो जाता है। अब आइए मैं एक बार आपको छत दिखा देता हूँ, रूफ राइट्स कैसे दिखते हैं, और जिस स्पेशल चीज़ की मैं बात कर रहा था उसके बारे में बता देता हूँ कि वो किस तरह से काम करती है। आइए सो गाइज, जो हमारी प्रॉपर्टी की छत है उस छत को यूटिलाइज करने का बेनिफिट जो है वो कैसे मिलता है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि यहाँ पे जो छत है वहाँ तक जाने के लिए एक सेपरेट दरवाज़ा बनाया गया है। यहाँ पे मैं आपको समझा सकता हूँ उसके बारे में। ये डोर ओपन करना है और यहाँ से स्टेयरकेस लेकर सीधा अपनी माउंटी की जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सेस किया जा सकता है, और हमारी जो छत है वो यहाँ से एक्सेस करी जा सकती है। तो ये रूफ राइट्स हैं इसके, प्रॉपर कोटा स्टोन लगा हुआ है इसके ऊपर, और कोटा स्टोन लगने के बाद में जो स्पेस है वो भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पूरा स्पेस हमें मिल जाता है। जो आउटडोर यूनिट्स हैं वो कुछ यहाँ पे लगाई गई हैं और एक सामने लगा दी गई है, इससे कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली राइट एंड लेफ्ट हो जाता है। यहाँ पे आप अपने पौधे लगा सकते हैं, पौधों का प्लांटेशन करने के लिए प्रॉपर एरिया मिल जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा स्पेस है कुछ इस तरह का दिखता है। और अगर हम इस प्रॉपर्टी की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो एक बार उसको दोबारा से समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए। ये प्रॉपर्टी एक क्रॉस वेंटिलेटेड प्रॉपर्टी है जो काफ़ी अच्छे साइज़ में 138 गज के कारपेट एरिया के साथ आपको मिलती है। क्रॉस वेंटिलेटेड है यानी कि दोनों तरफ से ओपन है ये प्रॉपर्टी, और इसमें आपको फ्रंट में 2 बेडरूम्स मिलते हैं उसमें भी बहुत खुला स्पेस है, बैक में जो है उसमें भी बहुत अच्छा और खुला स्पेस आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे सेपरेट कार पार्किंग बढ़िया से मिल जाती है, जिसके अंदर पार्किंग में किसी भी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई शॉप नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फ्लोर नहीं है, हर पूरे चार फ्लोर मिला के केवल 4 फ्लैट्स हैं और नीचे आपको 4 गाड़ियों की बढ़िया पार्किंग बनी गई दी गई है। और यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन है वो बहुत ज़्यादा पास में है, ओनली 0.9 किलोमीटर पे द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा, और बिल्कुल सिमिलर डिस्टेंस पे आपको द्वारका मेट्रो स्टेशन भी मिल जाता है। और इस प्रॉपर्टी को अगर आप लेना चाहते हैं
तो इसके अंदर सारे गुण जो होने चाहिए वो हमने आपको बता दिए हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज यहाँ पे आपको पूरी बिल्डिंग में कैमरास इंस्टॉल्ड मिलते हैं, जिनका एक्सेस आपको आपके फ़ोन पे मिल जाएगा, तो पूरी बिल्डिंग ही लगभग लगभग उसके अंदर आपको कवर्ड मिलती है। इन सारी विशेषताओं के साथ में ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी कोड के साथ में इसकी डिटेल्स और अवेलेबिलिटी को आप चेक कर सकते हैं। और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।